चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द नाइन टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जो नाइन टर्म है, नौवा टर्म है, वो जीरो है, देन शो दैट 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। तो शो करो जो 29 नंबर पर आ रहा है वो 19 नंबर पर आने वाले नंबर से डबल है, ये हम लोगों को शो करना है, ठीक है। अब टर्म्स क्या बोलते हैं, देखो अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता है, देखो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, ये सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस है 2, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस है 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस है 2, इसका मतलब ये सारे कॉमन डिफरेंस है, एक जैसा डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस हो गया, इसको बोलेंगे पहला टर्म, इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म। तो ऐसा नाइन्थवा टर्म, नौवे नंबर पर जो नंबर आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है वो जीरो है, उन्होंने बोला। तो 29 टर्म, जो 29 टर्म आएगा, मतलब 29 नंबर पर जो वैल्यू आएंगी वो 19 नंबर की वैल्यू से डबल है, ये हम लोग को शो करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लिखा है कि 9 टर्म, मतलब T9 आपका क्या है, जीरो है, ये उन्होंने बोल दिया है। अब आपके मेरे पास एक फॉर्मूला है TN का, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत सारे लोग के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, कोई यहाँ T1 लिखता है, TN बोले तो आपका जो जो नंबर आप जो टर्म्स आप फाइंड आउट कर रहे हो वो, A बोले तो फर्स्ट टर्म आता है, N बोले तो नंबर ऑफ उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब टोटल कितने टर्म्स है, और D बोले तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो TN हमारे को यहाँ पर जीरो दिया है, A हमारे को नहीं पता है, प्लस N, जीरो कौन सा टर्म था, नाइन टर्म था, तो एन की जगह नाइन आ जाएगा। जो टर्म आता है ना, जितना नंबर का टर्म आता है वो एन की जगह लिखते हैं, डी हमको नहीं पता है। तो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस नाइन में से वन गया तो एट बन जाएगा एट डी, इसका मतलब एट डी को इधर लाऊंगा तो ए बन जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस एट डी। मेरा एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो ए इज इक्वल टू माइनस एट डी, ये इक्वेशन बन रही है मेरी, ए इज इक्वल टू माइनस एट डी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये समझा आपने कैसे लाया, तो टी एन की जगह जीरो और टी नाइन आपका कितना आ रहा है, T9 है, इसका मतलब n आपका 9 आएगा, 9 माइनस वन एट, एट डी। तो a जो है वो माइनस एट डी के बराबर है, ठीक है, ये चीज याद रखो। हाँ, अब मैं आगे सॉल्व करने जाऊंगा, याद रखो, यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि a जो है वो माइनस एट डी के बराबर है, ठीक है। अब अगला क्या दिया, T29 टर्म, तो 29 टर्म के बारे में आएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो n की जगह आएगा 29, जो टर्म होता है ना वो n की जगह डाल देना डी। तो T29 आपका आ रहा है यहाँ पर A प्लस 29 में से 1 गया तो 28 हो जाएगा D, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 19 टर्म भी निकालेंगे, 19 टर्म क्या आएगा, T19 A प्लस, ये इज इक्वल टू है A प्लस 19 टर्म है ना, तो N की जगह 19 डाल देंगे, माइनस 1 D, ठीक है। A प्लस 19 में से 1 गया तो 18 बच रहा है 18D, तो T19 क्या हो गया, A प्लस 18D हो गया, और T29 क्या हो गया, A प्लस 28D हो गया, ठीक है। इसको सेकंड डाल दो। अब एक चीज याद रखो, हमने क्या फाइंड आउट किया कि A जो होता है वो माइनस 8D होता है, तो A की जगह माइनस 8D यहां पर डाल देंगे। T29 के अंदर क्या करेंगे, ये A की जगह माइनस 8D रख दूंगा, माइनस 8D, और आगे वैसा का वैसा रखो 28D, तो 28 में से 8 गया तो T29 कितना हो जाएगा, 28 में से 8 गया तो 20 बच रहा है, इसका मतलब 20D हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। T29 कितना हुआ, 20D हो गया। इसी तरह से T19 देखेंगे, A की जगह क्या रखूंगा, माइनस 8D रखूंगा, प्लस 18D, तो 18 में से 8 गया तो कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। बड़े की साइन लगती है, बड़े की साइन प्लस है, इसलिए मैं वहां पर कुछ कोई साइन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि प्लस हम लोग लगाते नहीं ज्यादातर। तो T19 क्या हो रहा है आपका, 10D आ रहा है, और T29 आपका 20D आ रहा है, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि T19 कितना है, 10D है, ठीक है। अब मैं T29 को यहां वापस लिखता हूं, T29 इज इक्वल टू क्या है, 20D है। अब 20D को मैं इसे इस तरह लिखता हूं, लिख सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10D लिख सकते हैं ना, 2 टेन जा 20 और D, ठीक है। लेकिन 10D क्या है, 10D है आपका T19, तो 10D की जगह T19 डाल दो, तो T29 क्या आ गया आपका, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय T19। हमने शो कर दिया कि T29 जो है वो T19 के डबल है, हमने शो कर दिया। जब तक T19 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो T29 नहीं आएगा, यही हमको शो करना था, वो हमने शो कर दिया। आया समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।